फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आईआईटी जेम 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 46 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वो है हमारे पास, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, जहाँ पे वेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर वन, देन द वैल्यू ऑफ वाई एक्स एक्सटेंस टू जीरो एफ एक्स इज। तो फ्रेंड्स, ये हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो कि फॉर्म है हमारे पास, ये फॉर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहाँ से पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ से शो करते हैं, वो होता है ई की पावर पी डॉट डी एक्स। तो यहाँ से हो गया, पी की जगह क्या है, यहाँ पर टेन है, तो e की पावर 10 और ये dx, तो ये हो गया e की पावर 10x हो गया, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एफ एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर या qx लिख सकते हैं, qx ऑफ dx। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, e की पावर 10x इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास qx या fx क्या है, fx जो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x यानी फॉर्म में दिया हुआ है, और ये इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया हमारे पास, वो हो गया e की पावर 10x ऑफ dx। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास y बराबर आ गया e की पावर माइनस 10x इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर 10x ऑफ डी एक्स। अब फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो की तरफ जाएगा और ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इस कंडीशन में हम इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक तरह से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, क्योंकि ये इन्फिनिटी जाएगा, अगर इसको नीचे ले लें तो ये इन्फिनिटी फॉर्म जाएगा। तो ये हो गया वाई बराबर, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं एफ एक्स ई की पावर 10x ऑफ डी एक्स अपॉन ई की पावर माइनस 10x। अब फ्रेंड्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ से, तब हम देखते हैं क्या जाता है हमारे पास। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स ई की पावर 10x और ये आ गया माइनस 10 ई की पावर माइनस 10x। अब देखते हैं तो फ्रेंड्स, ये जाएगा हमारे पास जीरो की तरफ जाएगा और ये आएगा हमारे पास इन्फिनिटी, क्यों ये वन की तरफ जाएगा, बट ये होगा जो इन्फिनिटी की तरफ होगा। सॉरी फ्रेंड्स, जो ये e की पावर माइनस 10x को नीचे हम लाए थे, ये प्लस का 10x है, e की पावर प्लस 10x है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 10, जो कि इसका आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।